सर दबा लेना चाहिए, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि चेहरा दिखाएंगे तो जूते चप्पल और झाड़ू जो उनका चुनाव चिन्ह है वही लेकर जनता दौड़ा लेगी, कई मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दूसरी इनकी बड़ी नेता है स्वाति मालेवाल, दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन है। महिलाओं के मसले पर बोलना इनकी हॉबी होती है, जो इस तरीके की नारीवादी होती है हॉबी होती है इनकी। लेकिन आप भी जान लो इनके लिए किस महिला का दर्द असली दर्द है। राखी के दिन हमने देखा था ना, कार में बन ठन के जो औरतें जा रही थी महंगे कपड़ों और जेवरात पहनकर अरविंद केजरीवाल को राखी बांधने, यही महिलाओं का दर्द इनको दिखता है। इनके महिलाओं का दर्द अमीर जादों के लिए, इनको गरीब मजदूर औरतों का, मेहनत करने वाली औरतों का, हार मास गलाने वाली औरतों का दर्द नहीं दिखता है। स्वाति मालेवाल और आतिशी मार लेना जैसे दो मुहे नारीवादी और स्त्री सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग, इनसे ज्यादा गलीज और इनसे ज्यादा घटिया किस्म के लोग नहीं है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो मीठी मीठी बातें करके जहर की गोलियां देने का काम करते हैं। हम यहां पर 45 दिन से बैठे हैं, आप ही बता देना महिला आयोग से कोई आया पूछने के लिए क्या समस्या है आपकी? वो कहां गए आर के पुरम वाली हमारी आंटी, पता नहीं कहां गई है, पीछे बैठे हैं। उन्होंने खुद भी पहले महिला आयोग में काम किया और वो खुद कहती है अगर वैसे अमीर जादों की औरतें एक दिन सैंडल का हील टूटने की वजह से धरना करेंगी तो महिला आयोग भागता हुआ आएगा, है ना। इनकी साड़ी का जरा सा पल्लू जल जाएगा उस पर ये धरना प्रदर्शन करेंगी तो महिला आयोग भागता हुआ आएगा। लेकिन मेहनत कश औरतों के अपने हकों की लड़ाई के लिए किसी भी आंदोलन में इनकी तरफ से अगर कोई सुनवाई हो तो मैं यहां से कसम लेके कहती हूं मैं अपनी यूनियन का नाम बदल दूंगी, अपना नाम बदल दूंगी। कभी कोई सुनवाई नहीं होती है, कभी कोई सुनवाई नहीं होती है, यानी इनका सारा दर्द, इनकी सारी चेतना सिर्फ अमीरों के लिए, धन्ना सेठों के लिए, व्यापारियों के लिए, कारखानेदारों के लिए, प्रॉपर्टी डीलरों के लिए। लेकिन जो औरतें 45 दिन से मोर्चा बांध के बैठी हैं, बारिश हो धूप हो बीमार पड़ती हैं लेकिन तब भी आती हैं, हमारी बहनें बच्चे लेकर यहां आती हैं, हमारी बहनें 5 से 6 बहनें हड़ताल के दौरान जो प्रेगनेंसी के पीरियड में है वो यहां पर डेली आती हैं, हमारी एक बहन हड़ताल के दौरान आने पर उनका मिस कैरेज हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इनकी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। तो बहनों अपने खून की, पसीने की, बीमारी की, हर एक परेशानी की सौगंध है आपको कि जो अपमान एक एक दिन इनकी सरकार ने किया है वो अपमान कभी भूलना मत, वो अपमान कभी भूलना मत। बवाना के उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की कब्र खोदने का काम करो, 2020 में इनको नष्ट-नाबूद कर दो, भारत के नक्शे से इनकी पार्टी को साफ कर दो। और जब इनके पास कुछ नहीं बचता है तो इनका आखिरी हथकंडा होता है कि शिवानी को चुनाव लड़ना है।
इनको तो चुनावी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। मैंने पहले दिन से ही कहा है, इस तरीके के सब स्टैंडर्ड और घटिया आरोपों का जवाब देना मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझ पे छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी और आप ही ने पॉलिटिक्स करने का बीड़ा उठाया था क्या? पॉलिटिक्स जिसकी मनाही सिसोदिया ने बयान जारी करके की थी कि मैं आंगनवाड़ी की महिलाओं से अपील करता हूँ पॉलिटिक्स ना करें। हम बोलते हैं हम पॉलिटिक्स करेंगे, आंगनवाड़ी की एक एक औरत पॉलिटिक्स करेगी। पॉलिटिक्स कुछ और नहीं है, पॉलिटिक्स अपने हकों के लिए लड़ना है, पॉलिटिक्स अपना मानदेय समय पर मांगना है, पॉलिटिक्स ESI PF लेना है, पॉलिटिक्स भगत सिंह के विचारों पर चलना है। हाँ हम पॉलिटिक्स करते हैं, हाँ हम पॉलिटिक्स करेंगे। तुम्हारी पार्टी ने ठेका नहीं लिया है। तुम तो NGO चलाने वाले लोग थे, तुम्हारे NGO ने कितने बड़े घपले किए। असम न्यूज में आपका है। आज हैं हम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास स्थान से मात्र 100 मीटर की दूरी पर, जो दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स यहां 45 दिनों से धरने पर हैं अपनी मांग को लेकर। ना तो दिल्ली सरकार इनकी मांगों को सुन रही है, ना भारत सरकार सुन रही है। हम बता दें कि ये भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर यदि कोई बात होती है तो ये सारे देश के अंदर चिंगारी की तरह फैलती है, और पूरे देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आइए हम पूछते हैं जो आंगनवाड़ी यूनियन की जो संयोजिका हैं, जो अध्यक्ष हैं और पूरा नेतृत्व कर रही हैं 45 दिन से लगातार। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं क्या कारण है कि इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। शिवानी जी, आज आपको 45 दिन हो गए हैं, ये महिला रोजाना की तरह आती हैं अपनी मांगों को लेके, क्या कारण है कि आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है? ये तो दिल्ली सरकार ही बेहतर तरीके से बता सकती है। मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के प्रचार पर 1,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च दिए हैं, अपने विधायकों की सैलरी 2,50,000 रुपये कर दी है, उसके बाद अब इनके सरकारी खजाने में अब कुछ रकम बाकी नहीं है, तो इसलिए इन्हें गरीब औरतों का वेतन बढ़ाने का ख्याल नहीं आएगा। जो पार्टी अपने प्रचार पर विधायकों की सैलरी पे करोड़ों रुपए खर्च दे, जो अपने एक मानहानि के केस पर, आपको पता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अरुण जेटली ने डेफेमेशन का केस डाला था, राम जेठमलानी वो केस लड़ रहे थे, तो 5.5 करोड़ इन्होंने कोर्ट की फीस और मतलब लॉयर की फीस पे खर्च दिए। तो ज़ाहिरा तौर पे ऐसी सरकार के पास मजदूरों के लिए, आम आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए खर्च करने के लिए पैसा बचा नहीं है, तो इसीलिए सरकार क्या बढ़ोतरी करेगी, सीधी सी बात है। आप लोगों को इनसे ये पूछना चाहिए कि सारा का सारा पैसा जो दिल्ली की जनता की जेब से ये साल दर साल लेते हैं, वो सारा पैसा जाकर शिवानी जी ने बताया, पूरी रूपरेखा के बारे में बताया और कहा है कि आने वाले समय के अंदर हम आप पार्टी, आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसी कील ठोकने का काम करेंगे, ताबूत का काम करेंगे। और पहली बात तो ये है कि जो बवाना से अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है, और शिवानी जी का मानना है कि हम उसको बिल्कुल धराशाही कराने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार को ही नहीं, केंद्र सरकार के बारे में भी ये बोला है कि जो दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ये आंगनवाड़ी वर्कर्स की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो इन संबंध में आज 45 दिन हो गए हैं, और इनका पूर्ण मानना है कि जो मैं यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स दिखा रहा हूँ कि काफ़ी बहुत तादाद के अंदर ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं अपनी मांगों को लेकर, और इनके हाथ में, किसी के हाथ में थाली है, चमचा है और अन्य अन्य प्रकार के ऐसे आइटम हैं जो कि केजरीवाल के कानों को खोलने का काम करते हैं। कुछ महिलाएं अपनी ढपली लेकर यहाँ पर आई हैं, तो ये जो बवाना की सीट है, तो ये कंपलसरी इन्होंने बताया कि हम बवाना की सीट को हरा के रहेंगे, और आने वाले समय के अंदर जब भी चुनाव होगा हम केजरीवाल को धराशाही करेंगे। आइए और जानकारी लेते हैं।